हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हो, बहुत सही चीज़ है यार, बहुत सही चीज़ है। तुम जो कर रहे हो उसको करो, बट अभी कमेंट करके बताओ तुम्हारा एज क्या है। अगर तुम्हारा एज 21 से ऊपर है देन हाइट बढ़ने का चांसेस बहुत कम रहता है, बिकॉज 90% लोगों का इस टाइम हाइट इंक्रीज नहीं होता है। बट अगर तुम्हारा एज 21 साल है या उससे कम है तो अपना जी तोड़ भाई जितना हो सके मेहनत कर लो, यही टाइम है। बट क्या तुमको पता है, हाइट बढ़ाने के लिए हमारा बॉडी के अंदर जो लीवर है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है तुमको पता है? एंड यहीं पे हो जाता गड़बड़ी। जो तुम खाना खा रहे हो वो तो भाई लगना चाहिए बॉडी में। तुम सपोज एक केला खा रहे हो एंड अगर वो केला तुम्हारा बॉडी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा फिर क्या होगा? अगर तुम्हारा बॉडी उस केला को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो बॉडी उसको बाहर फेंक देगा। तो यूटिलाइज करने का मेन काम है लीवर का। लीवर बहुत मेन काम करता भाई हाइट बढ़ाने में। एंड अगर आप अपना लीवर का ख्याल नहीं रखेंगे, आप चाहे जितना मेहनत कर लो, जितना नाक रगड़ लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मैं अपना भाई का बात करना चाहता हूँ। मेरा भाई का लीवर में प्रॉब्लम था, ठीक है, एंड आपने उसको देखा होगा। मेरा भाई का नाम है राकेश एंड एक वीडियो में वो आया था। एंड लीवर में उसका प्रॉब्लम था, इसके कारण से उसका हाइट नहीं बढ़ रहा था, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, सूखते जा रहा था और कुछ भी खाना खा रहा था बॉडी यूज नहीं कर पा रहा था। एंड उसको ना कभी कभार भूख भी नहीं लगता था, कभी कभार लगता था, कभी कभार नहीं लगता था। तो अगर आपका लीवर खराब रहेगा ना तो आपको सबसे पहले उसको सही करना पड़ेगा एंड उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उनमें से हो जो बहुत ज़्यादा कचड़ा खाता है तो लीवर क्या करता है, कचड़ा को ना प्यूरीफाई भी करता है। अगर आप बहुत सारा कचड़ा खाएंगे तो आपका लीवर टॉक्सिक हो जाएगा, आपका बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा एंड आपका लीवर को डैमेज कर देगा। तो आपको हमेशा सही खाना खाना चाहिए। आजकल हम लोग जितना भी खाना खा रहे हैं 90% सब बेकार खाना है, कोई काम का नहीं है। जैसे अभी आपका एज कम है तो आपको चटपटा खाने का बहुत मन करता है, बाहर का खाना बहुत आपको अच्छा लगता है। घर में आपका पूड़ी सब्जी पराठा ये सब बनेगा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। डीप फ्राइड फूड्स अच्छा लगता है, तेल में पूरा अच्छा से भूंज भूंज के आप खाते हैं, आपको बहुत मज़ा लगता है। आपको अगर बॉयल किया हुआ खाना दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज उसमें टेस्ट नहीं है। बट यार, टेस्ट के चक्कर में आप अपना बॉडी खराब कर रहे हो, आप अपने लीवर को खराब कर रहे हो। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो ये लीवर कितना मेन काम करता है। अगर आपका लीवर सही रहेगा, आपका बॉडी का मशीन सही रहेगा ना, तो अगर आप पत्थर भी खा लेंगे ना, बॉडी उसको भी यूज कर लेगा। तो बोलने का मतलब समझो, लीवर को सही करने के लिए सबसे पहले जो आपको जरूरी है, अर्ली मॉर्निंग आप नींबू और पानी पीजिए खाली पेट। उससे क्या होगा, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। जितना बॉडी में कचरा डालेंगे, बॉडी में गंदगी उतना बढ़ते जाएगा, आपके लीवर खराब होगा। आपको पता है जो लोग शराब पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है, बिकॉज शराब में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स भी रहता है जो क्या करता है, आपका लीवर को ख़राब कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा शराब मत पियो। एंड अगर आप उसी तरीके से बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाएंगे, आपका लीवर खराब हो जाएगा, फिर फैटी लीवर का इशू आ सकता है। एंड उसके बाद क्या होगा, आप चाहे अच्छा खाना भी खाएं, आपका बॉडी उसको भी यूज नहीं कर पाएगा एंड आपका खाना जो भी खा रहे हैं सब पिछवाड़ा से निकल जाएगा वेस्ट होके।
तो जो भी खाना खा रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ताकि आपके लीवर पर बैड इम्पैक्ट ना पड़े। एंड लीवर को डिटॉक्सिफाई करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए आप अपना डाइट को सही करिए, फिर आप प्राणायाम करना, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। आप वॉकिंग करिए, चलना फिरना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं उनका लीवर डैमेज होने का चांसेस रहता है। ज़्यादा बैठे रहना सही नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, आप लोग बॉडी का कचरा को बाहर निकाल पाएंगे। बॉडी का कचरा को अंदर जमे रहना नहीं देना है। आप कुछ भी खाना खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक एलिमेंट रहता है, ठीक है। एंड वो क्या होता है, आपके लीवर में आस्ते आस्ते जमा होते रहता है, जिससे क्या होता है आपके लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है एंड आपको दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपका लीवर खराब रहेगा, आप कोई भी खाना खा लो वो यूज में नहीं आएगा, फिर आपका बॉडी का जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम लेवल तक ग्रो नहीं कर पाएगा। चाहे आपको वेट गेन करना हो, चाहे आपको मसल बिल्ड करना हो, चाहे हाइट ग्रोथ का बात हो। एंड हाइट ग्रोथ कब होता है, आपका ग्रोइंग फेज में, जब आपका एज 21 साल रहता है या उससे कम, तभी आपका हाइट ग्रोथ होता है। एंड इस दौरान अगर आपका लीवर डैमेज रहेगा, फिर जो भी खाना खाएंगे कोई भी यूज़ में नहीं आएगा, फिर आपका हाइट उस लेवल तक ग्रो नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसीलिए आपको वो सारा स्टेप्स लेना चाहिए जिससे आपका लीवर सही रहे। एंड अगर आप चाहते हो इस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में बना दो तो कल ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट दिखाना, ठीक है, कमेंट करना जितना हो सके। एंड आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है, आपका लीवर सही पोजीशन में है या नहीं है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, कमेंट करना। तो मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दिस वन, टेक केयर।